संसद भवन का आज उद्घाटन हो गया। इसके उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग को लेकर देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसमें बिहार की सत्ता पर काबिज आरजेडी और जेडीयू भी शामिल है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी का नए संसद भवन को लेकर विवादित ट्वीट सामने आया। इसके जरिए पार्टी ने नए संसद भवन पर तंज कसा। आरजेडी ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ये क्या है। वहीं जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने ये कहा कि बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। बीजेपी ने आरजेडी सांसद से इस्तीफे तक की मांग की। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि विपक्षी पार्टियां बहुत पहले से यह ऐलान कर चुकी थी कि वो इस संसद भवन उद्घाटन में समारोह में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां काफ़ी समय से ये कह रही थी कि राष्ट्रपति के हाथ से उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है अपमान कहीं ना कहीं किया गया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब देश के राष्ट्रपति का मान सम्मान ही इस उद्घाटन समारोह में नहीं हुआ, वो मौजूद तक नहीं रही, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या वाकई राष्ट्रपति और मोदी सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर ठीक नहीं चल रहा है तो क्या वाकई ऐसे में विपक्षी पार्टियों को मुर्मू का समर्थन मिलेगा और मुर्मू को भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलेगा। और जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो जाहिर तौर पर यह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं 2024 से पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।